पूरी कटोरी अकेले खा जाएंगे अगर इतने टेस्टी आम की मिठाई बनाएंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार मैंगो की मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मीठे पके हुए आम। दोस्तों आम आप खा के चेक कर लें, अच्छे मीठे होने चाहिए, बिना रेसे वाले आम। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही टेस्टी, अकेले आप पूरे पूरे कटोरी खा जाएंगे, बच्चे हो या बड़े, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही शानदार बनता है ये मिठाई। और कोई तेल घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो हमने सारे आम, दो आम थे उसका सारा पल्प निकाल लिया है दोस्तों, तो हमें इसको पीस लेना है अच्छी तरह। और 2 चम्मच इसमें सूजी मिलाएंगे बाइंडिंग के लिए, कोई भी सूजी ले सकते हैं दोस्तों, जो भी गांव दुकान में मिल जाए आपको आसानी से, मोटे वाले या पतले वाले कोई भी ले सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला देंगे, देखिए 2 चम्मच इसमें पड़ जाएगा, तो 2 चम्मच हम सूजी को मिला लेंगे अच्छी तरह फेंटते हुए। दोस्तों ये रेसिपी आप बहुत ही शानदार बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आएगा तो दोस्तों और फैमिली में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अच्छी तरह हम इसको मिला के और रख देते हैं दोस्तों, देखिए। और आम मीठे होंगे तो हमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर मीठे आम कम मीठे हो तो आप यहाँ पर 1-2 छोटा चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है, सूजी थोड़ा सा फूल चुका है, तो हम इसमें 1-2 ड्रॉप और पानी मिला के देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो चलिए झटपट वाली मिठाई बनाते हैं। तो हम यहाँ पे तवा लेंगे और हमें कुछ ऑयल घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्लेम लो करके और इस तरीके से छोटे छोटे, देखिए बस छोटा छोटा ही बनाएंगे और इसका कलर डार्क नहीं होने देंगे दोस्तों, लेकिन लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे ताकि ये कच्ची ना रहे। और इस तरीके से भी खा सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे भी बच्चे लेके खाने लगते हैं, तो मैं जब बनाती हूँ तो मेरे बच्चे आधा से ज़्यादा दोस्तों ये खा लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए इसी तरीके से ये चिपकेंगे नहीं, इसीलिए नॉन स्टिक का पैन लिए हैं दोस्तों। तो आप थोड़े से घी भी लगा सकते हैं, अगर नॉन स्टिक पैन ना हो, तवे पे बना रहे हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे टिकिया हम बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे दोस्तों, देखिए। और इस दूध को उबाल के हमें गाढ़ा करना है, जब ये आधी दूध हो जाए तब हम इसे तब तक गाढ़ा करेंगे दोस्तों, देखिए। बहुत आसान है बनाना दोस्तों, और गर्मी में तेल मसाले वाले चीज़ खा के आप बोर हो चुके हैं, तो ये मीठी मीठी चीज़ और ठंडा करके खाइए, ठंडी ठंडी बहुत ही राहत मिलेगी दोस्तों। और ठंडी ठंडी मेहमान भी आए तो सर्व कर सकती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दिए हैं दोस्तों, आप मीठा अपने हिसाब से बना सकते हैं। थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, अगर आपके पास केसर हो तो 4-5 धागे भिगा के दूध में और इसे डाल दीजिए। तो बस जरा सा डालना है हमें ताकि चाय का कलर आ जाए, देखिए। और 5-6 इलायची को, हरा इलायची छोटी वाली को कूट के इसमें डाल दिए, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है दोस्तों। और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ड्राई फ्रूट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शानदार बनती है दोस्तों। एक बार बना के ज़रूर देखिए, इतनी लाजवाब रेसिपी की पूरी कटोरी अकेले खा जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों। तो देखिए दूध आधी हो चुकी है, तो हम एक एक करके जो बना के रखे हैं पैन केक, उसे छोटा छोटा पैन केक, छोटू पैन केक भी बोल सकते हैं, उसे डाल देंगे और इसे थोड़ी देर इसी में पकाएंगे दोस्तों, कि ये बहुत ही ज़्यादा रस भरी बन जाएगी आपकी मिठाई। तो जब आप इसे ठंडा करके खाओगे तो ये तो अभी गर्मा गर्म है दोस्तों, देखिए कितने अभी से ही रस भरी बन गई है। तो अगर आप 2-3 घंटे इसे फ्रिज में ठंडा करके खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब लगेगा। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसे भी अच्छी सी रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।